इसको गर्मी से हालत खराब हो गई, फैन के सामने लाके खड़ा कर दिया। बोलो जुवा केसरी, ये क्यों है? मतलब नहीं गया, नहीं गया। फाइनली झूला झूल के जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अभी इस हाथी से खेलेगा। टांग नहीं है। तो टांग तो नहीं थे उसमें, पहले ही देख लिए थे मैंने। बस ये आगे आगे के दो टांग है इसमें। बड़ा दुख हुआ ये जान के कि रावण में एक भी पटाखे नहीं थे। बताओ जरा, गरीबी इतनी खा गई भगवान। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड आफ्टरनून, सॉरी माय मिस्टेक। तो गाइस आज है, आज है दशहरा, विजयदशमी, और हम अभी जा रहे हैं रावण दहन देखने। हम जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, यानी कि वो क्या, लाल किला जा रहे हैं। तो क्या है कि पिछली बार हम गए थे यहाँ घर के पास ही, आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, जिसको पता ही होगा क्या हाल रहे थे, ना आ पाए ना जा पाए। तो हेमंत ने कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, मे बी वहाँ पर हो सकता है भीड़ कम हो, तो आराम से देख सकते हैं। वैसे भी वो सबसे बड़ा ग्राउंड है, तो क्या पता वहाँ पर अच्छा भी है, मतलब रावण वगैरह। तो हम लोग वहाँ को जा रहे हैं, और आज हम लोग अपनी गाड़ी वाड़ी से नहीं आ रहे, बस से आएंगे। बस से जाएंगे, फायदा उठाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये जो लाल किला वाला रूट है, इस पे कितना ट्रैफिक होता है, और आज रूट बंद रहता है। आज तो रूट बंद रहता है। हाँ, लास्ट ईयर जब हम गए थे, नहीं ना बाइक जाने का फायदा है ना गाड़ी जाने का। आज हमें वैसे भी बस से उतर के भी हमें काफी वॉक करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ से ना बस कन्वीनियंट रहती है, मेट्रो से ज्यादा, क्योंकि सीधी आती है। हाँ, डायरेक्ट बस है वहाँ तक। पास बना लो और हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि घूमना ही है, क्या ही करना है। दिखेगा ठीक है रावण, नहीं दिखेगा झूला झूल के? दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। अगर रूट सही रहा तो, अगर नहीं रहा तो फिर देखते हैं क्या करनी थी ना रामलीला के टाइम पे। लोग रूट जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। गूगल मैप से यहाँ से सिर्फ 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है। वहाँ बस आने वाला भी कश्मीरी गेट पहुँचे हैं, तो अगर चेंज नहीं किया तो पहुँचेंगे, वरना फिर यहाँ वहाँ डोलते रहेंगे दिल्ली में। गाइस हम लोग उतर गए बस से, बस हमने वो व्लॉग में इसने बताया, और जस्ट 2 मिनट बाद हम बस से उतर गए। पिछली बार हम गए थे जब मेले में, तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो गया था। अभी अंकल बोले कि वहाँ बस नहीं जाएगी, तुम्हें मेट्रो लेनी पड़ेगी, ये वो। तो अभी जब हेमंत ने गूगल में देखा मैप में, तो दिखा रहा था कि एक बस जाती है और नियर बाई छोड़ती, तो यहाँ से बस 1 किलोमीटर वॉकिंग, 1 किलोमीटर भी नहीं, 7। और आगे जब भीड़ जा रही है, मतलब रामलीला मैदान में 700 मीटर बस। बस भीड़ देखो आगे, भीड़ काफी भीड़ जा रही है, देखो आगे जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, सब लाइन बारी सब कुछ जा रहे हैं, तो कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम भी जो आगे पीछे लोग आए, उनके पीछे घुस गए, सीधे सीधे चल रही है, कहीं लगे तो पहुंच ही जाएंगे यार, क्या ही पहुंच जाएंगे, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे होपफुली हम, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ होने से पहले अंदर एंट्री हो जाए। भीड़ भाड़ तो होगी, जितनी बसें आ रही हैं, जितने गाड़ियों में लोग हैं, सब रामलीला मैदान। हर कोई कंडक्टर से यही पूछ रहा है कि लाल किला जाएगी, लाल किला जाएगी। इतना पास उतरे थे और ये रहा, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है अभी, बिल्कुल से बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब ये है गिनी चुनी भीड़ है, लाइन नहीं लग रही की। एटलीस्ट ये रहा इसका मेन गेट, और अभी हम कर रहे हैं एंट्री, और मानसी बना रही है रील्स। रील्स या अच्छा, रील ना, आ जा। भीड़ बाप रे, एंट्री वाली बहुत ज्यादा भीड़ है, आराम से एंट्री वाले बिना धक्के मुक्के के वाली आराम से। और ये रहे रावण, ये रावण दिखा था, रावण ए छोटू, रावण भी एक जैसे मुक्के है, पता नहीं। इसको गर्मी से हालत खराब हो गई, फैन के सामने लाके खड़ा कर दिया इसको मैंने। मैंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। हाँ, कहाँ से लेते हैं खाने को, अभी कुछ खुला ही नहीं है, सब बंद है, बंद है सब अभी। लोग ऐसी हम भी दिखा देते हैं, झूले चले नहीं तो हम भी अंदर ही आ गए, क्या करते। ये सब यहाँ पे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, पिछली बार हमने यहीं से खाया था। हाँ, याद है। तो ठीक है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये ठीक रावण के सामने ये विमल जुवा केसरी, बोलो जुवा केसरी ये क्यों है? मतलब सब जगह प्रमोशन चला था मामू का, सब जगह पे इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं रामलीला मैदान के। अरे मतलब कहीं आगे पीछे कर लेते समझ में आता, ठीक रावण के सामने आज वो देखेगा, ये भी देखेगा विमल भी है, विमल
सुबह केसरी करना जरूरी है। छोटा रावण है वो जो रामलीला मैदान था ना उसी के जस्ट ये छोटा रामलीला मैदान भी है, तो यहाँ हमेशा दो रामलीला होती, तो ये छोटे वाला है लेकिन सुंदर ज्यादा लग रहा है। उससे रावण से सुंदर रावण लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें 10 सर नहीं बना रखे, उसमें सिर्फ एक सिंगल सर नहीं है। मानसी इन झूलों में बैठना चाह रही है बट सब बंद कर रखे हैं। बैठना क्यों चाह रही है तो बताओ, झूलने के लिए नहीं, पैरों में दर्द हो गया इसलिए बैठना चाह रही हूँ। ये सारे ऊपर जितने भी हैं सारे अभी बंद पड़े हैं, ये अभी लगेगा एक घंटा, दो ढाई घंटे हो गए आराम से, हो गए खड़े धूल खा रहे हैं बस, इतनी धूल और कहीं पर बैठने के लिए कोई चेयर ही नहीं है, पैरों में इतनी दर्द हो गई है। भैया के झूले पर चला रहा है, बैठने को तो मिलेगा, राम और दहन होगा 8 बजे के बाद, तब तक पैरों की बैंड बजाने वाली है, झूले चौड़े हैं, झूले ही झूलने हैं कुछ पर। और खाने का तो चला रही हूँ, पिछली बार हमने यहाँ खाना खाया था, इस बार मैंने मस्त कहा मैं नहीं खाऊंगी, क्या ही खाऊंगी यार, देखकर ही मन नहीं कर रहा खाने का। और हमने कुछ चीजें ऐसी देखी कि मतलब वो वैसे भी मन में गया, तो वो बताना भी नहीं चाह रहा बट वो नहीं था बिल्कुल ही नहीं। मेरे वजह का कि बाहर जाकर खा लेंगे हम या तो घर के पास से खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। तो पता है यहाँ पर खड़े यहाँ पर सबसे कम धूल है, अगर मैं आपको उधर को ले आऊँ ना पूरे धूल है, इसके अंदर मास्क के अंदर भी धूल जा रही है, क्या बताऊँ। पर समझ में आ रहा है झूले क्यों चालू कर रखे हैं, तब झूले इसलिए चालू नहीं किया, मैं बताता हूँ झूले ये जब रात हो जाएगी पूरे लाइट वाइट पता नहीं ना मुझे, बट फिर भी थोड़ी बहुत लाइटिंग जल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये अभी तक सब बंद पड़ा था, थोड़ी बहुत लाइट यहाँ चला दी है, अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में झूले भी चालू हो जाएंगे, फिर झूला झूलेंगे, इसको झूले घुमाएंगे, रावण का दहन देखेंगे और फिर खाना जहाँ खाना ना बाहर से लेके घर में खाएंगे। यार मेरे तो सांसें बंद हो रही है, मतलब मास्क अभी मैंने उतारा ही है, मैं ऐसे अभी यही कह रहा था कि सिंगल मास्क कुछ होने नहीं वाला, डबल लेयर हमें चढ़ानी चाहिए। कोने में जहाँ लोग ना के बराबर है उन्होंने इतनी धूल है बाबा। गाइस ये देखो क्या खेल रही है ये, ये जुआ खेल रही है जुआ खेल रही है। चल पहला वेस्ट, दूसरा भी वेस्ट आराम से फेंक, तीसरा भी वेस्ट, नहीं गया बच गया। अरे एक मेरे को दे दियो। 3 2 1 50 के नोट पे, अरे गए 50 रुपए पानी में, 1 मिनट डाला, हट एक भी नहीं डाल पाए, 8 शॉट थे, एक भी नहीं। तुम्हारा एक बारी 100 के नोट पे चले गया था मोटे, थोड़ा सा बचा, अरे बिजी खाना। इन भाई साहब ने कैमरा बंद करके मेरे हाथ में पकड़ा था, मैं चिल्लाए जा रही हूँ मोटे ये मोटे खूब झूम करके दिखा रही हूँ, जब मैं डांस देखा लगा है कैमरा तो खोला ही नहीं है, ये ऐसे वीडियोग्राफर है ये, 50 रुपए गए मेरे। मानसी रावण की सवारी आ रही, राम जी की चलेगी और रावण की पूरे नगाड़े के साथ, पूरे नगाड़े के साथ गैस परेशान हो गई है, पैरों में दर्द हो गया यार खड़े खड़े, अभी हम वहाँ भी वहाँ घुसे गए थे क्राउड के बीच में रामलीला देखने के लिए, अब मेरी थीम भी हो गई थी, देख नहीं पा रही थी मैं, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे के देख रही थी, ये तो लंबा से दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको क्राउड दिखाऊं, क्राउड दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो फुल मारा मारी हो रखी है रावण देखने के लिए, झूले नहीं चलाया यार, पता नहीं क्या अभी तक झूला झूल लेते हो ना, झूला भी नहीं चलाया कुछ नहीं चलाया है। मुझे लग रहा है जब तक ये रावण का दहन नहीं होगा तब तक झूले चालू नहीं होंगे, मुझे लग रहा है टाइम पे बंद करना चाहिए ना, उससे पहले तो खोलना चाहिए ना, पता नहीं हमारे को क्या पता ना होता हो आज, मे बी पता नहीं, माइट बी पॉसिबल।
इधर वो चढ़ के पहले वो दिखा दू वो गया अब इसकी बारी है बड़ा दुख हुआ ये जान के कि रावण में एक भी पटाखे नहीं थे बताओ जरा गरीबी इतनी अरे भीड़ भीड़ आ रही है हेमंत का मूड ऑफ हो गया कह रहा है कि ये तो बिल्कुल खुशी वाला रावण था उसमें तो पटाखे ही नहीं थे पिछले 3 घंटे से खड़े और एक भी पटाखा नहीं फटा बिल्कुल ही नहीं फटा यार सच में यार तो बेचारा मेरा पति 3 घंटे से दिखा गया था रावण के जलने का रावण जला तो पता ही नहीं चला कि रावण जल गया है वो तो कागज पागज ही लगा दिया चलो घर को चलते हैं अब पैर में दर्द हो रही है चलो दोस्तों घर को चले बहुत देखी रामलीला झूला भी झूला बीच में मला रहे मुझे झूला नहीं मिला 500 का खुलने के लिए हम कहाँ कहाँ परेशान नहीं हुए झूला वाला कह रहा 500 खुल ले लाओ कहाँ से लाओ पूरे कितने वो खड़े स्टॉल वाले सबके पास जाकर आगे वो भैया ने मेरे को दिए 500 खुले झूला छूल के जाऊंगी कुछ भी हो जाए मेरे को वो झूला वाला पागल बना रहा है जब मैं खुलने कराने के लिए तब कह रहा है 160 रुपए और जब मैं खुलने करा के तब कह रहा है मेरा 200 रुपए लगेंगे बताओ ऐसे पागल बना रहा है 2 मिनट में रेट बढ़ा दिए 2 मिनट में उसने बताओ जबरदस्ती का धक्का मार रहा है इतना बुरा हाल हो रखा है क्या बताऊं जानबूझ के धक्का मार रहे हैं ऐसा नहीं कि जगह नहीं है देखो पूरा रास्ता खाली है पर धक्का मार मार के आ रहे हैं ये देखो जानबूझ के कह रहे ताकि लोगों को दिक्कत हो धक्का लगे भाई क्या हो गया ये तो बहुत ही बुरे हैं बहुत ही ज्यादा बुरे हैं हाँ सही टाइम पे बाहर निकल आए सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस सब फोर्स लगी हुई है ये देखो रेंगो के लिए मैंने कितना क्यूट गिफ्ट खरीदा है देखो गाइस हमारा रेंगो अभी इस हाथी से खेलेगा टांग नहीं है तो टांग तो नहीं थे उसमें पहले ही देख लिए थे मैंने बस ये आगे आगे के 2 टांग है इसमें ऐसे उसके फाड़ने के लिए बहुत है ये मेहमान कब से कह रहे हैं जब से मेले में आए रेंगो के लिए कुछ ले रेंगो के लिए कुछ ले भाई मेला बाद में शुरू हुआ रेंगो के लिए ले ले सारे स्टॉल घुमा ले रेंगो के लिए कुछ ले मैंने कहा ले लेती हूँ हाथी बड़ा क्यूट सा लग रहा था उसको अच्छा भी लगेगा पता है अभी घर आकर देखते वैसे अच्छा क्या लगेगा इसको उसने कल परसों तक फाड़ के बट फिर भी ना यार हाँ तो ठीक है बच्चा है मेले से लाए हैं उसके पापा मम्मी उसके लिए कुछ लाए कमर टूट गई भाई टूट गई कमर चल चल गई मैंने ब्लॉग खोल दिया थक हार के हम लोग आए हैं दोस्तों डोमिनोज में फाइनली मतलब हमारा था प्लान कि कुछ और खाने का लेकिन कुछ और खाने आ गए हेमंत कहता डोसा खाने चलते हैं बगल में डोसे का वो भी था लेकिन मैंने कहा यार डोसा तो मैं घर में इतना अच्छा बनाती मेरा मन नहीं करता फिर मैंने कहा पिज्जा खाने चले तो इस बेचारे ने मन मार के बोल दिया चलो पिज्जा खाते हैं इनको तो चाय ज़्यादा पसंद है और नॉन वेज अगर हम खाने चलते क्योंकि आज जो है दशहरा है तो कल से शुरू करेंगे ये सब कुछ फिलहाल तो अभी खा लें दोस्तों अपना डिनर कर लें पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वैसे बता दो अभी हम लोग कश्मीरी गेट के नीचे जो वो है ना गोल राउंड सा वहाँ पर है यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं ये पुराना डायलॉग हो गया ये पहले तुम ब्लॉग में बोल चुके एक तेरा एक मेरा बड़े 4 मंगा दिए क्या वो तुमने मेरा पेट समझ रखा है इंडिया गेट समझ रखा है वो तो ठीक है लेकिन 4 दो तेरे दो मेरे ना दो में से आया तुम खाओगे अभी इतना ही लोगे चिली फ्लेक्स वगैरह ये है ना इधर यहाँ से खाओ थक गया बहुत थक गया सपाड़ के आया है बहुत थक गया क्या कर रहा है मेरा बच्चा मिस करा हमको हमारे बच्चे ने हमें मिस किया मेरे बालू बबू ने मेरे को मिस किया तू पहले उसको दे दे बात खत्म देख 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 नहीं मैंने कहा था उसको पसंद आएगा वो देख अच्छा लगा देखो अच्छा लगा हाथी मेरे रेंगो के लिए गिफ्टी गिफ्टी आई है मेरे लिए अच्छे
खुश हो गया यार, खुश हमारे रैंको को एक एलिफेंट फ्रेंड मिल गया। माँ बाप ने चाहे कुछ ना खरीदा हो, मेरे पर इसके लिए आया है। चलो गाइस घर पहुंच गए हैं, रैंको को उसका खिलौना भी पसंद आ गया है, पैर टूटवा लिए हैं, भीड़ में नाप के आ गए हैं और अब सो जाते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा, टेक केयर, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो रैंको, बाय।